और इस बीच बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां भरतपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हादसा हुआ है। जी हां, राजस्थान भरतपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आ चुकी हैं, आपको दिखा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर यहां पर गिर चुका है, क्रैश हुआ। जैसे हेलीकॉप्टर गिरने की सूचना और तस्वीरें सामने आई, आसपास के जो लोग हैं ग्रामीण वहां पर मौके पर पहुंच गए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट इसमें नहीं है कि ये हेलीकॉप्टर किसका था, क्या सेना का था या कोई निजी हेलीकॉप्टर था, या फिर इसमें कितने लोग सवार थे और कितने लोग सुरक्षित हैं। अपडेट इस पर आएगा, आप आज तक के साथ बने रहें, हर तस्वीर हर खबर पर अपडेट आप सभी को पहुंचा रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में हेलीकॉप्टर क्रैश, ये तस्वीर देखिए किस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया और हेलीकॉप्टर गिरने के बाद ये आग के लपेटे में तब्दील हो गया। और निश्चित तौर पर वहां पर जो आसपास के ग्रामीण हैं वो मौके पर पहुंच गए और अच्छी खासी तादाद में, लेकिन शायद खेतों में या फिर जो बीच का इलाका है, अच्छी बात, गनीमत की बात यह कह लीजिए कि रेजिडेंशियल इलाके में ये प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ। भरतपुर राजस्थान की तस्वीर, और हेलीकॉप्टर के गिरने के बाद देखिए किस तरह से मिट्टी, ये चारों तरफ आप देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करते हैं देवंकुर का, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। देवंकुर, क्या जानकारी है, किस तरह से हादसा हुआ? देखिए, आशुतोष, ये जो डिफेंस इंडियन एयरफोर्स का जेट है ये भरतपुर के उत्तरी के इलाके में गिरा है। ये जो जेट है ये आगरा से, उत्तर प्रदेश के आगरा से उड़ा था, और माना जा रहा है कि ये तकनीकी खराबी के चलते ये एयर क्रैश हुआ है। जो पूरा करीब 400 मीटर का जो रेडियस है वहां पर इसका मलबा जो है वो फैला हुआ माना जा रहा है। इस समय जो लेटेस्ट हमारे पास जानकारी है आशुतोष, उसके मुताबिक तकनीकी खराबी के चलते ये क्रैश हुआ है और भरतपुर के उज्जैन इलाके में ये क्रैश हुआ है। जो ये इंडियन एयरफोर्स का जो जो जेट है ये आगरा से उड़ा था और भरतपुर के उज्जैन इलाके में इसका क्रैश हुआ है। इस समय राहत बचाव कार्य वहां पर जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक जो पता लग पाया है वहां पर एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं वहां पर, वो इकट्ठे हो चुके हैं। वहां पर इस समय राहत कार्य चल रहा है, बचाव कार्य चल रहा है और तकनीकी खराबी के कारण माना जा रहा है कि ये एयर क्रैश हुआ है। आगे की कोई जानकारी जब पुख्ता तौर पर हमें इंडियन एयरफोर्स से मिलती है तो उसके बाद हम बता सकते हैं आशुतोष। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं,